भिंड में एक तेज रफ्तार डंपर ने महिला सफाईकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सफाईकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ में सफाईकर्मियों ने घटना के विरोध में चक्का जाम कर दिया। दरअसल मामला देहात थाना क्षेत्र त्रिवेंद्र का है, जहां मंजू रामेश्वर वाल्मीकि वार्ड क्रमांक 24 से सफाई कर वापस घर लौट रही थी, तभी अनियंत्रित गति से आ रहे डंपर ने महिला सफाईकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी जब सफाई कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने नेशनल हाईवे 92 पर चक्का जाम किया। थाना बाईपास है, बिल्कुल शहर के अंदर शामिल हो गया है और आसपास से बस्ती है और ये जो गाड़ियां चलती है तेज रफ्तार, उनसे लगातार हादसे हो रहे हैं। तो उनका यही था कि भाई एक तो ये स्पीड ब्रेकर वगैरह बनाए जाने चाहिए। तो मैंने MPRDC के अधिकारियों से बात की है, एक दो दिन में स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे। और जो मृतक का, चूंकि 8-10 साल से नगर पालिका में कार्य कर रही थी, तो उसके स्थान पर उनके बच्चे को नौकरी मिल जाए, तो उसका भी हमने आश्वासन दिया है। जानकारी लगने पर विधायक मौके पर पहुंचे और मृतिका के परिजनों को 25,000 की आर्थिक मदद की बात कही। बैठ संजीव सिंह, विधायक। फिलहाल विधायक की समझाइश के बाद लोगों ने अपना विरोध खत्म कर चक्का जाम खोला। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, भिंड।